हज़रत सलामुलैकुम। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सदस्य और फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के काउंसिल मेंबर जनाब तुरज जैदी साहब दरगाह आलिया नजफ़ हिंद जोगीपुरा में मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं इस सिलसिले में तुरज जैदी साहब के तासुरात। कंतूरी साहब, ये मेरी खुश नसीबी है कि आज दरगाह आलिया पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम करने का शरफ़ हासिल हुआ है। दरअसल यहाँ पर इस दर पर मौला के मैं एक नेता या किसी पोर्टफोलियो के तहत नहीं आया हूँ, एक ग़ुलाम की हैसियत से हाजिर हुआ हूँ। इस दरगाह पे जो भी आता है, जाहिर सी बात है, वो झोली भरने आता है। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर की हैसियत से ज़रूर हूँ, लेकिन एक मौला की दरगाह पे एक ग़ुलाम की हैसियत से हूँ कि जो भी इस दर पर आएगा वो अपनी झोली भर के जाएगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं इस बारगाह से आप? देखिए, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह पर जो भी आ रहे हैं उसमें शिया सुन्नी हिंदू सिख ईसाई किसी कौम की बात नहीं है। ये कौमी यकजहती का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा दर है जहाँ पर राष्ट्रीय एकता की मिसाल आती है, और ये वो दर है जो हिंदुस्तान की एकता को सुदृढ़ कर रहा है। तुरज जैदी साहब, दरगाह के मामला में क्योंकि इस वक्त आप सेंट्रल में भी हैं और यूपी में भी हैं, यहाँ पर आने जाने के रास्ते में काफ़ी मोमिन को दुश्वारी होती है, इस सिलसिले में क्योंकि अब आप एक पद पर भी हैं तो क्या करना चाहेंगे? आज दरगाह के सचिव महोदय से इस संबंध में बात हुई है, माननीय पर्यटन मंत्री से बात करूँगा लखनऊ पहुँच कर, और ये प्रयास होगा कि यहाँ का जो हमारी दरगाह है ये पर्यटन के नक्शे पर हो। और दूसरी चीज़, जो हमारे जो ज़ायरीन आते हैं उनकी सुविधा के लिए जो भी हमारी जितनी भी कोशिशें हो सकती केंद्र सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से, वो पूरी करने की भरपूर कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।